और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधा है। स्वामी ने कहा कि जंग इस ऊंचे के पद के काबिल नहीं है। स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट किया, मेरे ख्याल से दिल्ली के एलजी जंग इस ऊंचे पद के काबिल नहीं है, वो भी केजरीवाल की तरह 420 है। हमें दिल्ली में संघ का आदमी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने नजीब जंग पर निशाना साधा है। स्वामी ने जून में भी जंग के खिलाफ अभियान छेड़ा था और कहा था कि नजीब जंग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की सलाह पर काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि जंग कांग्रेस के इशारे पर काम करते हैं और उन्हें उपराज्यपाल पद से हटाने के लिए वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के बाद इस पद को संभालने के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। उन्होंने यहां आयोजित तीसरे मतदान में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर किसी महिला के चुने जाने की उम्मीदें कमजोर पड़ रही है। 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद में तीसरे चरण का अनौपचारिक मतदान हुआ। इसमें गुटेरेस के पक्ष में 11 और विरोध में 3 मत पड़े। वही एक मत में कोई राय दाखिल नहीं की गई। ये अनौपचारिक मतदान तब तक जारी रहते हैं जब तक कि कोई बहुमत के समर्थन वाला उम्मीदवार सामने नहीं आ जाता। उस उम्मीदवार के खिलाफ परिषद के किसी स्थायी सदस्य का वीटो नहीं होना चाहिए। दिल्ली और आसपास के शहरों को साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों ने डराया हुआ है। डेंगू के बाद चिकनगुनिया का खौफ फैला हुआ है। दिल्ली में डेंगू के 487 मामले सामने आए हैं। वही चिकनगुनिया के 432 मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दें, राजधानी में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी निगमों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब कि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए अब तक। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार और निगम सुनिश्चित करे कि डेंगू की रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। टीम इंडिया के कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी और पेप्सिको के बीच 11 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की इस बड़ी कंपनी के इंडोर्समेंट का जिम्मा फिलहाल विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और परिणीति चोपड़ा पर है। ऐसी खबरें हैं कि क्रिकेट में धोनी की कम होती धमक के बाद पेप्सिको ने ये बड़ा फैसला लिया है। पेप्सिको इंडिया के उपाध्यक्ष विपुल प्रकाश ने कहा, हमें एक बेहद प्रतिभाशाली ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ने का मौका मिला और धोनी के साथ हमारी भागीदारी बहुत अच्छी रही। भारत के वनडे और T20 टीम के कप्तान धोनी पेप्सिको सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स का विज्ञापन करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के जामनगर में अजीवांध पर स्थित सोनी प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया और इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जब वे दिल्ली पहुंचे तो गुजरात में मिली सीख ने उनकी बहुत मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा, जब मैंने लोगों को बताया कि पानी सबसे महत्वपूर्ण है तो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। मैंने गुजरात में सीएम पद की शपथ लेते ही किसानों से कहा था कि आपके लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पाटीदारों ने अपने ही अंदाज में उनका विरोध किया। पहले तो पाटीदार प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही निकल गए और उसके बाद एक युवा वहां खड़ा हो गया और उसने जय सरदार जय पाटीदार के नारे लगाए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कश्मीर में तनाव और पत्थरबाजी पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक सभा में कहा कि बच्चों की जगह स्कूलों और कॉलेजों में होनी चाहिए, उनका उपयोग पत्थर फेंकने में नहीं करना चाहिए। इन बच्चों का संबंध कॉलेज, IIT और विश्वविद्यालयों से होना चाहिए, सड़कों से नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में होना चाहिए, उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, ना कि पत्थर फेंकना चाहिए। महबूबा ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति रही है कि यदि नोटबुक हमारे पैर से लग जाए तो हम उस नोटबुक को माथे पर लगाते हैं। सभा में सूबे की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए फंड उपलब्ध करा रही है, इसके लिए हमें अपने क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है ताकि इस फंड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण के लिए हो सके। एक चीनी सरकारी दैनिक ने भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में बसे आतंकवाद के शिकारों को मुआवजा देने की पेशकश को लेकर तिलमिलाई भाषा में मंगलवार को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभ्रुक हो चुके हैं और उन्होंने दुश्मनी के संभावित रुख और लहजे को अपना लिया है।
बलूचिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का पहली बार जिक्र करते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान और पीओके का मामला इसलिए उठा रहे हैं ताकि कश्मीर के तनावपूर्ण माहौल की तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के शिकार लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने को उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए आलेख में कहा गया है कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तानी सीमा में बसे कश्मीरी भी इस मुआवजे का दावा कर सकते हैं। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन 2 सितंबर यानी शुक्रवार को होने वाली हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक आपात बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार इस आपात बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। ट्रेड यूनियनों ने सरकार को चेताया है कि 2 सितंबर को बैंक, सरकारी ऑफिस और कारखानों में हड़ताल रहेगी। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की 12 सूत्रीय मांगों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करना शामिल है। वे फार्मा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में लचीलापन लाने के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसे राष्ट्रीय हितों से समझौता हो सकता है। रेलवे 1 सितंबर से IRCTC की वेबसाइट पर अपना टिकट बुक कराने वाले रेल यात्रियों को 1 रुपए से भी कम के प्रीमियम यानी 92 पैसे पर 10 लाख रुपए का यात्रा बीमा देने जा रही है। IRCTC अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई टिकट बुक कराने वाले भारतीय रेलवे के सभी यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर रही है। ये सुविधा उपनगरीय ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनों में सभी वर्ग के टिकट पर लागू होगी और इसे अभी परीक्षण के आधार पर शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक यात्री सुविधाओं की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 31 अगस्त को रेल टिकट पर 10 लाख रुपए की बीमा योजना को विधिवत लॉन्च किया जाएगा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।